रामचरितमानस पर हो रही बयानबाजी से जुड़ी हुई कुछ और खबरें देखिए 9 सेकंड में। बीएसपी नेता इमरान मसूद का रामचरितमानस विवाद पर बयान, कहा आस्था के ऊपर हमला ठीक नहीं। इस मुद्दे पर की जा रही राजनीति, एसपी बीजेपी का एजेंडा एक ही है। यूपी के कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में प्रदर्शन, ओबीसी महासभा, कुशवाहा महासभा और अनुसूचित जाति मोर्चा ने अंबेडकर प्रतिमा के सामने धरना दिया, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने रामचरित मानस विवाद पर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का किया समर्थन, कहा जो बातें अपमानजनक हो उसे हटाया जाए, गलती को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा सत्ता से जाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को पिछड़े याद आ रहे, अखिलेश यादव अगर खुद शूद्र कहते हैं, खुद को शूद्र कहते हैं तो अपने नाम का सरनेम हटाए। रामचरितमानस विवाद पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, कहा किसी भी धर्म ग्रंथ का ना हो अपमान, सीएम योगी ने की स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की मांग। यूपी के वाराणसी में धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में संतों ने किया कीर्तन, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। छतरपुर के बागेश्वर धाम में आयोजित 121 कन्याओं के विवाह कार्यक्रम स्थल का बागेश्वर धाम सरकार ने लिया जायजा, 18 फरवरी को शिवरात्रि के पर्व पर होगा सामूहिक विवाह समारोह। और आइए अब देख लेते हैं बिहार की कुछ खबरें 9 सेकंड में। बिहार के सहरसा में बाहुबली नेता आनंद मोहन 15 दिन के परोल पर जेल से निकले, समर्थकों की उमड़ी भीड़, डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में सजा काट रहे हैं कैदी बाहुबली नेता। छपरा में मुखिया प्रतिनिधि ने मुर्गा चोरी के आरोप में 3 युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी, एक की हुई मौत, पुलिस ने 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की, मुख्य आरोपी मुखिया का पति फरार। बिहार में एनआईए की छापेमारी जारी है, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में लगातार दूसरे दिन एनआईए की छापेमार कार्रवाई हुई, पीएफआई से जुड़े हुए 2 और लोगों को पकड़ा गया है, अब तक कुल 5 संदिग्ध गिरफ्तार हो चुके हैं। बिहार के समस्तीपुर में जेडीयू नेता से रंगदारी मांगने का मामला, छात्र जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष से बदमाशों ने मांगी 50 लाख रुपए की रंगदारी, पैसे नहीं मिलने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। सीएम नीतीश पहुंचे बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एनुअल मीट कार्यक्रम में, बोले राज्य सरकार एनआईटी को हर संभव मदद देने के लिए तैयार, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बातें याद की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।